नमस्ते मैं हूं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो इंटरफेस के बारे में हर स्टूडियो में ऑडियो इंटरफेस होता है वाई इज इट इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट साउंड क्वालिटी साउंड क्वालिटी ऑन बोर्ड माइक्रोफोन्स स्पीकर्स या हेडफोन जैक्स लैपटॉप के डिजाइन नहीं होते मैक्सिमम ऑडियो क्वालिटी के लिए ऑन बोर्ड ऑडियो कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं और वर्सेटिलिटी भी नहीं होती दूसरा पॉइंट कनेक्शंस, माइक्रोफोन, एक्सएलआर एक्सएलआर इनपुट्स या TRS, या मॉनिटर्स की टीआरएस, नहीं होते मॉनिटरिंग आपको इस तरह के कनेक्टर्स चाहिए जो एक ऑडियो इंटरफेस में होते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनालॉग टू डिजिटल इनपुट के वक्त और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आउटपुट के वक्त इसका मतलब क्या है साउंड वेव्स को पिक करता है माइक्रोफोन एज एनालॉग वोल्टेज फिर उस एनालॉग वोल्टेज को इंटरफेस का कन्वर्टर चेंज कर देता है डिजिटल वन और जीरो में यानी कि वन और जीरो की भाषा में जिसे कंप्यूटर समझ सकता है सेम ही चीज आउटपुट के टाइम भी होती है डिजिटल वन और जीरो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस एनालॉग में जिसे हम स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं अब इतना कुछ जब प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली लेटेंसी तो आती है लेटेंसी का मतलब आपने कुछ रिकॉर्ड किया पर वो थोड़ा लेट अंदर कैप्चर हुआ चाहे आपने कुछ मिडी इंस्ट्रूमेंट से प्ले किया या फिर आपने कोई आवाज या गिटार रिकॉर्ड की तो वो थोड़ी सी ऑफ टेम्पो अंदर रिकॉर्ड होगी क्योंकि वो थोड़ा लेट अंदर कैप्चर करेगी तो वो लेटेंसी किस तरह से खत्म होगी एक बहुत अच्छे कंप्यूटर और एक अच्छे ऑडियो इंटरफेस के कॉम्बिनेशन से इसलिए मेक श्योर करें कि जो भी ऑडियो इंटरफेस आप परचेस करने वाले हैं वो 24 बिट कन्वर्जन को सपोर्ट करे और एटलीस्ट 44.1 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट को या थोड़ा इससे हायर हो जैसे कि 96 या 192 किलोहर्ट्ज ये सैंपल रेट और बिट ही है जो आपकी एक्यूरेसी को डिटर्मिन करेगी एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के टाइम अब हम बात कर लेते हैं कनेक्शन की बहुत सारे ऑडियो इंटरफेस अलग अलग कनेक्शन वाले आते हैं जैसे टाइप सी फायर वायर टाइप ए सो अपने कंप्यूटर के कनेक्टर्स चेक करके ही ऑर्डर करें ऐसा ना हो कि आपने थंडर बोल्ट ऑर्डर कर लिया और आपके कंप्यूटर में थंडरबोल्ट का कनेक्शन ही नहीं है और बाद में आप जैक ढूंढ रहे हैं दूसरी चीज कितनी इनपुट चाहिए और कितनी आउटपुट चाहिए यह भी देख लीजिए परचेज करने से पहले वैसे 90% होम स्टूडियो में एक माइक इनपुट एक पेयर मॉनिटर आउटपुट और एक हेडफोन आउटपुट ही चाहिए होती है इंटरफेस में 48 वोल्ट फैंटम पावर जरूर हो इसका ध्यान रखें तभी आपका कंडेंसर माइक कनेक्ट हो सकेगा उससे आप रिकॉर्ड कर सकेंगे नहीं तो केवल डायनामिक माइक से ही आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर चेक कर लीजिए मैक ओ या विंडोज आपका जो इंटरफेस है वो कंपैटिबल है या नहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और याद रखें अगर आप कीबोर्ड प्लेयर हैं या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं तो ध्यान रहे कि मिडी इन और मिडी आउट के पोर्ट भी जरूर हों अगर आप पियानो रोल पर ही मेले बनाते हैं या कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं तो मिडी इन या मिडी आउट का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऑडियो इंटरफेस अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से अपने यूजेज के हिसाब से परचेज कीजिए यहां पर मैंने आपको दिखाया है प्रिसोनस का स्टूडियो ट्वेंटी सिक्स सी जो मैं अपने होम स्टूडियो में यूज करता हूँ आप यह भी ले सकते हैं या फिर आप ट्वेंटी सी भी ले सकते हैं दोनों के अंदर ही साउंड क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है सिर्फ इनपुट और आउटपुट कितनी होगी उसका ही फर्क है जो कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट नमस्ते